भागलपुर जिला के सन्हौला पंचायत के गुदड़ी हाट पर होली मिलन समारोह का एक आयोजन रखा गया था, जो कि चारों तरफ से लोग, हर समुदाय के लोग शामिल हुए और लोगों ने एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर बुराई को छोड़कर अच्छाई की तरफ लोगों ने आने का मशवरा किया। और लोगों का एक ही कहना था कि हम लोग चाहे किसी का मजहब नहीं सिखाता कि नफरत फैलाने के लिए, क्योंकि आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम लोग मिलकर इस आयोजन को इस वर्ष की भांति हर वर्ष मनाने का संकल्प ले रहे हैं। और यह आयोजन ऑडियो वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित किया गया। इसका अध्यक्ष भावेश कुशवाहा सिंह और सचिव सादाब हैदर ने लोगों से अपील किया कि हम लोग समाज को जोड़ने का काम करेंगे, जबकि जब भी हमारे जरूरत पड़े मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा। और इस आयोजन में कहलगांव विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पवन यादव भी मौजूद रहे और इनका भी यही कहना था कि हम लोग मिलजुल कर ही रहेंगे और रहने का प्रयास करेंगे, नफरत करने वाले को हम लोग मिलजुल कर कुचलने का काम करेंगे। और समाज सेवी मोइज आलम भी मौजूद रहे। युवा भाजपा नेता नवीन पासवान ने भी लोगों के साथ रंग अबीर गुलाल से लोगों को बधाइयां दी। भागलपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद रशीद आलम की रिपोर्ट। ये थे के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए लाइव 24 इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह का क्षेत्र है, लेकिन पूर्व प्रत्याशी पवन यादव भी यहाँ पे मौजूद है। कई महानुभाव भी और आइडियो वेलफेयर फाउंडेशन के तहत जो होली मिलन समारोह किया गया है, यहाँ पे काफी एकता जो कि आज दिल्ली जल रहा है उनको जवाब दे रहा है। बिहार में आज भी धर्म निरपेक्ष का साबित दे रहा है। और जो कि आप धर्म के आड़ में जो ठेकेदार जो खड़े हैं उनको मैं ये साबित दे रहा है। सन्हौला जो कि धर्म निरपेक्ष हिंदू मुस्लिम का आज भी जो नवासी का 1989 का दंगा साबित है, जिन्होंने आज भी यहाँ पे सन्हौला, क्योंकि मैं पीर बाबा शाहनुल्लाह के धरती पर मौजूद हूँ, क्योंकि इसके बगल मेरे दाएं तरफ और ये जो आप पूरा तरफ जो शिव मंदिर देख रहे हैं, जो पूर्व मुखिया नसीर उद्दीन साहब पहला ईंट किसने डाला था, मैं यहाँ पे कुछ लोगों से जानना चाह रहा हूँ, जो कि जनता द्वारा बताया गया है, जो कि यहाँ पे सदाब हैदर जो महासचिव है, सर बताया जाए कि आपने इस तरह के आयोजन किया, आखिर क्या कारण पड़ा आपको? ये संस्था विगत 5 वर्षों से सामाजिक कार्यों में कार्य कर रही है और जैसा कि मैं मंच के माध्यम से भी ये बात आप लोगों को बता चुका हूँ कि आज देश की जो हालात है, 21वीं सदी में दिल्ली जैसी जगह में जब दंगे हो सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये दंगे हमारे आपकी वजह से नहीं हो रहे हैं, ये राजनीतिक लोगों के द्वारा एक सुनियोजित तरीकों से जो है बाहरी लोगों को इन्वॉल्व करके कराया जा रहा है। तो हम युवा कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा भी जगह जले, हमारे भी शहर जले, यहाँ भी जो है हमारे लोग जो है हिंदू मुस्लिम कह के मारे जाएँ और दूसरे लोग अपनी राजनीतिक ड्यूटियाँ सकें। और जहाँ तक आपने एक बात कही पवन जी के बारे में, तो राजनीतिक व्यक्ति के पहले ये भी एक समाजसेवी है। सदानंद सिंह जो है उनको भी मैं एक समाजसेवी मानता हूँ, क्योंकि मेरा ये पर्सनली मानना है कि जो भी आदमी राजनीति कर रहे हैं ऐसा कतई नहीं है कि वो समाजसेवी नहीं हो सकते हैं। हमारी संस्था ने सारे लोगों को इन्वाइट किया, कोई कांग्रेस, कोई भाजपा, कोई राजद, कोई जदयू नहीं। अब वो घर में बैठ के यदि लग रहा है कि मुझे नहीं आना है, मुझे आना ही, तो उनको सोचना, आप उनसे सवाल करेंगे ना सर। तो ये मैं एक सवाल है लाइव 24 की तरफ से कि कोरोना वायरस जो फैला हुआ है काफी, तो इनके लिए आप अपने जो आपने जो आयोजन किया है इनके द्वारा आप अगर लोगों तक पहुँचाए, आप किस तरह से साफ सफाई रहे ये आप अपने बताएं और लोगों के घर तक जाए इनके बारे में। आज तो होली का माहौल है, इस होली के माहौल में जो मुद्दा होता है सांप्रदायिक सद्भावना, इसके लिए हम लोग सर काम कर रहे हैं। कल से परसों से अब हम लोग लगेंगे कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। और जहां तक आज आने की बात है, लोगों ने कहा कि कोरोना वायरस है, आप ये आयोजन को जो है कैंसिल कर दो क्योंकि कोरोना वायरस वगैरह फैल सकता है। हमने साफ कह दिया कि सामुदायिक सद्भावना, इसके लिए हम लोग सर काम कर रहे हैं। कल से परसों से अब हम लोग लगेंगे कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। और जहां तक आज आने की बात है, लोगों ने कहा कि कोरोना वायरस है, आप ये आयोजन को जो है कैंसिल कर दो क्योंकि कोरोना वायरस वगैरह फैल सकता है। हमने साफ कह दिया कि कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक ये जाति धर्म का वायरस है, इस वायरस के लिए मर जाएंगे हम लोग, कोरोना वायरस से दूर की बात। अब मैं क्योंकि बगल में दाएं तरफ खड़े हैं पूर्व प्रत्याशी पवन यादव, युवा नेता, अब काफी खुश दिल मिजाज रहते हैं, चाहे 24 घंटे किसी भी टाइम इनको याद कीजिए, आपके बीच रहते, क्या कहेंगे आप?
आपने सर कहा बड़ी खुशी की बात की, पूर्व तो थे ही लेकिन भावी प्रत्याशी भी है हम कहलगांव विधानसभा का। साथ ही साथ आपको कहना चाहेंगे कि पूरे समाज में दो ही जात है, तीसरा कोई जात नहीं है मेरे नजर में। जेना देहातों में कही जनानी और मर्दाना, ठीक है नी, यह दूगो जात पूरे समाज में है, आरोप अलावा कोई जात नहीं है। तो आप जो दिल्ली में जो राजनीति कर रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे? दिल्ली वाले राजनीतिक वाले को पता चल जाएगा, एवरी यहाँ से जब जाएगा ना, यहाँ से जब गोला जाएगा वहाँ पता चलेगा कि यहाँ से लोग अपने बेटा भतीजा को उठा करके जब पटना की धरती पर और दिल्ली की धरती पर भेजेगा तब दिल्ली वाले को पता चलेगा भाई ये क्या हो रहा है। तो जो बिहार दिवस मनाया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी इनके लिए काफी पैसा खर्च कर रहे हैं, काफी लोगों के बीच संदेश दे रहे हैं कि बिहार दिवस 22 मार्च को, इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सबसे बड़ी चीज है आप कोई दिवस मनाइए, आपका घर में अगर दिया जलता है तभी कोई दिवस मनेगा, अगर घर में दिया नहीं जलता है तो आपका कोई तो आप नहीं मनेगा। आपके बगल में युवा नेता भाजपा के है नवीन पासवान, जनता के द्वारा बताया गया, आप बताए थोड़ा। आज का जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। दरअसल एक सूत्र में बांधने का यह कार्यक्रम है। लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, और मैंने यहाँ महसूस किया, देखा सभी भाई एक समान सब मिलकर होली मिलन समारोह का कार्यक्रम देख रहे हैं, कर रहे हैं। ना यहाँ कोई जाति दिखती है, ना कोई धर्म दिखती है, बस यहाँ दिखती है तो बस एक इंसानियत दिखती है। और यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, इसके लिए मैं इस सोसाइटी को नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। तो आप बताएं, आज का जो प्रोग्राम है हम लोगों ने बहुत मेहनत और कोशिश के साथ किया है, ये समाज को एकता और समाज को एक बंधन में बांधने की कोशिश की है कि आप लोगों का सहयोग साथ में रहेगा तो ये पूरा होगा। तो आप देख रहे हैं लाइव 24 इंडिया न्यूज।